जो सीट्स में MBBS की सीट्स जो 100 में से 150 हुई, तो उसके लिए इंस्पेक्टर के तौर पे मैं आया हूँ। तो यहाँ पे पहले जो इंस्पेक्शन हुआ उसमें थोड़ी बहुत जो त्रुटि थी वो त्रुटि जो है वो सही हो गई है कि नहीं, तो उसके लिए ये इंस्पेक्शन है। और हम 3 इंस्पेक्टर हैं और सभी दूसरे इंस्पेक्टर्स जो है वो दूसरे वार्ड्स या OPD देखने गए हैं। तो क्या अब तक क्या पाया सर आपने, कुछ परिवर्तन हुआ है पहले में से? वो तो मेरा एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है, मुझे वो मुझे MCI में भेजना पड़ता है क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हमें यहाँ भेजती है। तो हमारा जो रिपोर्ट है वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो MCI ही सार्वजनिक करेगी। कहाँ क्या देखा सर, कहाँ पे क्या चीज़ देखी आपने? अभी मैंने कैजुअलिटी में देखा, कैजुअलिटी में कितने वार्ड्स है, कॉट है, कितने बेड्स है। फिर सर्जरी, अभी मैं सर्जरी वार्ड में खड़ा हूँ, अभी ऑर्थोपेडिक में जाएंगे, ENT में जाएंगे, ऑफ्थेल में जाएंगे। कितने की सर कोई कितने की आवश्यकता होती है सर, कुछ मापदंड हो? ऐसे तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। जैसे सर्जिकल डिपार्टमेंट है तो यूनिट वाइज होता है, तो एक यूनिट में 30 बेड्स होने चाहिए। जैसे इनका 5 यूनिट है तो 150 बेड होने चाहिए, तो वो देख रहे हैं। कोई दिशा निर्देश भी दिए कि आपने कुछ कहीं कोई कमी दिख रही हो या नहीं पाए? नहीं, वो हमें बताना नहीं होता, ये पूरा सार्वजनिक नहीं कर सकते। बराबर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर भावेश कुमार लाकड़ावाला, मैं अहमदाबाद से हूँ।